కాంగ్రెస్ పోరాటం వల్లే లిక్కర్ స్కామ్ లో కదలిక వచ్చిందన్నారు ఏఐసీసీ అధికార ప్రతినిధి పవన్ ఖేరా. లిక్కర్ స్కామ్ పై ఫిర్యాదు చేసిందే తామన్నారు. కవిత ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ లో మహిళల హక్కుల కోసం ఎన్నిసార్లు మాట్లాడారని ప్రశ్నించారు పవన్ ఖేరా. తమ ఒత్తిడి వల్లే సిబిఐ కవిత ఇంటికి వెళ్లి విచారణ జరిపిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ కుటుంబానికి విఆర్ఎస్ ప్రకటించాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు పవన్ ఖేరా. जब हैदराबाद एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पॉलिटिकल पोस्टर जो दिखते हैं इस यहां की रूलिंग पार्टी के बीआरएस के, एक महिला की फोटो दिखती है, जैसे कि पूरे तेलंगाना में बीआरएस को और कोई महिला मिली ही नहीं हो. उस महिला का नाम है कविता राव. वो महिला आज महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है. जिस राज्य में आपकी पार्टी की हुकूमत है उसमें तो आपको और कोई महिला नहीं मिलती, आप खुद अपनी फोटो लगाए घूम रही होती हैं. जब ईडी और सीबीआई दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो आपको अचानक महिला आरक्षण याद आ जाता है. और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कहती हैं ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रहे साहब. जब डोरबेल बजती है बोलते हैं सीबीआई से आया हूं तो बोले महिला आरक्षण चाहिए. इसलिए इनका असली चेहरा आपको दिखाना आवश्यक है. आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं लेकिन तेलंगाना का एक एक वोटर यह समझ गया है कि ये जो टीआरएस से बीआरएस बनी है ना, ये पैसा कहां से आया है, ये अब दिल्ली की सरकार का जो घोटाला है वहां से आपको जवाब मिलेंगे. जब मेरे पास 100 रुपए होते हैं तो मैं एक छोटी दुकान खोलता हूं, 500 आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ी दुकान हो जाती है, 5 लाख